दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं गुजरात के कच्छ जिले के कांडला फोर्ट गांव में, और आज आपको नमक कैसे खेती की जाती है, नमक कैसे बनाया जाता है और तैयार कैसे होता है वो सब दिखाएंगे आपको। और यहां पर हमको बस नहीं मिला तो ये भाई साहब ने हमको लिफ्ट दिया ट्रक में। तो क्या नाम सर? गुरजीत सिंह। तो गुरजीत सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए नमक का खेती दिखाते हैं आपको। स्टोर करते हैं ना, पानी स्टोर करके तो नमक ऊपर अपने आप आ जाएगा। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जो इसको मशीन के साथ इकट्ठा करके बाद में ट्रक में लोड करके निकल जाते हैं। तो बाद में कहाँ जाता सर ये नमक? ये जैसे सॉलिड बने नमक का, हाँ हाँ, फैक्ट्री वगैरह वहाँ पे जाता है, वहाँ पे इसको साफ करके प्यूरीफायर होता है। हाँ। तो दोस्तों ये थे ट्रक वाले भाई साहब जो हमको जानकारी दिया और लिफ्ट दिया। तो चलिए नमक का फैक्ट्री दिखाते हैं, नमक का कारखाना आपको दिखाता है, नमक का खेती दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं गुजरात के गांधीधाम में, और आज आपको नमक की खेती बताएंगे कि नमक की खेती कैसे करते हैं, नमक साल्ट लून। तो देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा का पूरा समुंदर पूरा नमक की नमक है, और पीछे देख सकते हैं जेसीबी से नमक को लेवल किया जा रहा है जो कि एकदम अच्छा से पक जाए। और यहां पर नमक को तैयार किया जाता है, नमक की खेती की जाती है और बाद में इसको प्यूरीफायर करने के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा समुंदर जैसा खेत है, पूरा लंबा सा पूरा नमक है, देख सकते हैं कितना कड़क है, देख सकते हैं आप दौड़ के दिखाते हैं। अभी इसमें पूरा गंदगी भी मिक्स है, बाद में फैक्ट्री में जाके प्यूरीफायर किया जाएगा, उसके बाद ये खाने लायक नमक बन जाएगा। देखिए कितना कड़क है ये। तो चलिए आपको आगे जाके दिखाते हैं पूरा का पूरा नमक किस तरह से लेवल किया जाता है। करके ट्रक में भर के फैक्ट्रियों में प्यूरीफायर के लिए भेज दिया जाता है। तो अभी जेसीबी के द्वारा यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है और वो साइड में ट्रक भर के ले जा रहे हैं। Thank you.
ये बिल्कुल पिंक कलर का पानी है। तो ये नमक रेडी होके तैयार हो रहा है, तो देख सकते हैं आप, अलग कलर का ही पानी है, पूरा बेबी पिंक। देख सकते हैं आप, वहाँ से नमक की खेती का सब रेडी करके यहाँ पर लेके आ गए हैं, और यहाँ पर ट्रकों में भर के प्यूरीफायर के लिए भेज दिया जाता है। देखिए कितने बड़े बड़े पिल्ले हैं नमक के। तो इसमें अभी मिट्टी वगैरह पूरा थोड़ा गंदगी मिक्स है, तो प्यूरीफायर करेंगे तो ये खाने के लायक हो जाएगा। पीछे की तरफ में बंदरगाह भी है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं अगले एक वीडियो में।